लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए सपा पर तीखा हमला बोला। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर पुनर्गठन हुआ। दायित्व बदले गए सभी पदाधिकारियों को प्रदेश मुख्यालय में बैठा हुई पार्टी के कार्यक्रम और अभियान पर चर्चा की। सहकारिता नगर निगम चुनाव, पार्टी स्थापना दिवस, 14 अप्रैल डॉक्टर बीआर अम्बेडकर दिवस पर कार्यक्रम करना है। एक दूसरे का परिचय प्राप्त करके बीजेपी को राजनीतिक दृष्टि से सभी चुनावों में सफलता प्राप्त करेगी, इसका संकल्प हुआ। आने वाले मई में 2 विधानसभाओं में उपचुनाव भी हम पूरी तैयारी के साथ प्रत्याशी उतारेंगे और हम जीतेंगे। संगठन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सभी नगर पालिका पंचायत जाएंगे, कामों को जनता के बीच रखेंगे। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र ओबीसी विरोधी है। हमारी पार्टी का लक्ष्य आरक्षण को लेकर कमिटमेंट में उसे दोहराना है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। जगत प्रसाद नड्डा जी के अनुमोदन के बाद जो प्रदेश कार्य समिति का पुनर्गठन हुआ, उसमें कुछ लोग के दायित्व बदले गए और सभी हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष नए, उन लोगों को काम मिला। आज ऐसे सभी पदाधिकारियों की, प्रदेश पदाधिकारियों की आज प्रदेश मुख्यालय पर बैठक हुई। बैठक में विशेष रूप से मार्गदर्शन के लिए हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी हम सबके मार्गदर्शन के उपस्थित रहे और हमारी पार्टी के जो कार्यक्रम है, अभियान है, उन कार्यक्रमों अभियानों की चर्चा और आगामी दृष्टि के लिए जो हमारे प्रमुख कार्यक्रम है उनमें सहकारिता के चुनाव है, नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव है, पार्टी का स्थापना दिवस है और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्मदिन है और 14 अप्रैल को संविधान निर्माता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस है। हम पार्टी का स्थापना दिवस के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस के रूप में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम पुनर्गठन के बाद बनी है, एक दूसरे का परिचय प्राप्त करके और हम सब लोग मिलकर भाजपा को राजनीतिक दृष्टि से जो हम लोग अच्छे परिणाम, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, सब चुनावों में भाजपा सफलता प्राप्त करेगी, इस प्रकार का संकल्प हम सब लोगों ने आज की बैठक में व्यक्त किया। आज अभी अभी जैसा आप लोगों ने बताया कि 2 विधानसभाओं का उपचुनाव आने वाले मई में प्रस्तावित है। हम लोग आपस में बातचीत करके जो भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, क्योंकि दोनों सीटें अपना दल के कोटे वाली सीटें हैं, लेकिन हम लोग आपस में बातचीत करके और पूरी तैयारी के साथ, मजबूती के साथ प्रत्याशी घोषित करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्थानीय निकाय के चुनाव की हम लोगों ने जो हमारे संगठन के काम है, संगठन की हमारी तैयारी है, वो हम लोगों ने आज अंतिम रूप से दिया है और हम उस विषय को, अपने संगठनात्मक विषय को लेकर सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात जो हमने, हमारी सरकारों ने नगर के क्षेत्रों में काम किए हैं नगर निकायों के माध्यम से, उन सबको जनता के बीच में रखेंगे और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफलता नगर निकाय क्षेत्र में विजय प्राप्त करेगी। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो चरित्र ओबीसी विरोधी है, उनका